तो फिलहाल काबर छा गांव में हम पहुंच रहे भाई। अरनू का आग्रह भाई, जो दिन रात जागे नहीं उसने सारा हितभेद हो आग्रह, जो रात ने लाठी लेके अनु का आग्रह जागते रहो। और भाई मनीष जाखड़ जो सरपंच था उसके बारे में चौकीदार तो ज्यादा तो कौन बता सके है, क्या नाम है जी आपका? ऋषिपाल है जी। ऋषिपाल जी, तो ऋषिपाल भाई जो सरपंच मनीष जाखड़ था, किस आग के व्यवहार था उसका, मतलब कोई अहंकार या कुछ इस तरह का भैया? सारे गांव ने पूछ ली, बहुत बढ़िया था जी। अच्छा जी, हाँ जी, मतलब पांच छह महीने रेंदर है किधर है, जिस चीज को मैं ताली पूंजी मेरे हाथ में दिया था, मेरे बिना रोटी नहीं खाता। कैमरामैन वरुण रेड्डू तीकूंगा, एक बार इस चौकीदार की आंख दिखा दे भाई, आंख में पानी देख, कितना मतलब जो है फिलहाल खून के आंसू रोने लग रहा है ये चौकीदार। रुके मारे थे भाई को, थे ही गलत तो। उस के नाम बता आपने? ऋषिपाल। ऋषिपाल, ऋषिपाल भाई मार दो रहा, कुछ इस तरह की जानकारी है अगर जो मनीष जाखड़ है का करता भाई, चाहे दो पीछे मेरे पास फालतू ले ले, लेकिन पूरे देखता थी मैंने भी खुद नहीं देखता थी भाई, गांव ने सुतरा रखी एडवांस पीछे देता, चाह पानी था ठंडे थे, दफ्तर दिखावा जी कितना दफ्तर बढ़िया बन गया। अच्छा, हाँ जी, कमरे लगा दिए, कुर्सी गल थी, चटीली कुर्सी गल थी, कूलर ले रखे जी, कंजूसी बर्तन वाला मामला जी ना, घर तक पैसे देने आदमी था, सब गरीब आदमी पीछे दे रखे। अच्छा, सब गरीब है, लोग घर तक पीछे देखकर गांव का भला होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, यू उसका व्यवहार था। हाँ जी, तो तुम अंदाजा लैस को भाई, जब एक गांव का चौकीदार भी जब किसी सरपंच की तारीफ करता हो, नहीं तो ज्यादातर चौकीदार नुका आग्रह मेरे मार दो फोन आग्रह नुका आग्रह धर्मू भाई, यू मारा सरपंच हमारी तनख्वाह को नहीं देता, कदे गांव के चौकीदार के, कदे कोई सफाई कर्मचारी के, मार दो फोन आग रहे सरपंचा बदल, बोले भाई यू फलाना सरपंच मारा गांव का सरपंच, यू तनख्वाह नहीं देता टाइम पे, फलाना नहीं करता दिखड़ा नहीं करता, यू गली के पीछे खा गया, यू फलाना कर गया दिखड़ा कर गया, कुछ भी कर इतना बुला करे, कमरे लगा रखे सारे, कुर्सी का रखी, दोनों स्कूला वाटर ले रखे पानी वाले। अच्छा, एक अड्डा का दोनों स्कूला के, और बड़का खेलने का कोई विवाह कौन थी, बहुत बढ़िया आदमी था जी, यानी कि पूरे गांव में कैमरे लगा रखे हैं। लेकिन आज वह कैमरे जो है मनीष जाखड़ जो कि युवा सरपंच का बरछा गाँव का, वह कैमरे उसका काम नहीं आए, और काम आए तो क्या आए, हथियारों की फुटेज उन कैमरे में कैद है। तो उस टाइम का कोई चश्मदीद भी है भाई जिस टाइम यह घटना घटी? वैसे तो एक दो परिवार के सदस्यों के लिए मेरी बात होली जी, रखी एक मैं था बस। अच्छा जी, उसने खड़वा रखी, उसके बताया। अच्छा, आप मौके पर थे? हाँ जी, मौका बताओ। अच्छा, हाँ जी, मैं सिलेंडर उठाया नहीं, यह घटना घटी उस टाइम मौके पर थे? हाँ जी, सिलेंडर उठाया नहीं। अच्छा जी, एकदम बंदूक से आवाज आई, मैंने देखा मेरे मतलब मुद्दा पड़ा था जी, दो एक हमारी एक लग गई, मतलब तो सिलेंडर फेंक दिया उस टाइम, घर के बुलाई आई आई खर को गड़ पैट के जी, मैं उसके मेरे में आदमी नहीं आया उस टाइम को, बाज कितने नुका फायरिंग कर दे लिकड़े हैं गली में, ताकि कोई बाहर भी लिकड़ सके, कर दे लिकड़े हैं, और मन नहीं डरे गए कदम मेरे गाड़ी में चला दे, मैं तो सिलेंडर फेंक के मेरे इतने बाज गए, यानी कि दहशतवाला माहौल बना दे गए हैं भाई। जब काबरछा के युवा सरपंच मनीष जाखड़ की हत्या करी गई, उसके बाद वो तो बारे बैठे कौन करता थी, आज पैसे उसका काका ने खमे रखी थी अंदर बैठे दफ्तर था, दफ्तर इतना बढ़िया रखे, बहुत बढ़िया जी, यानी इसी हिसाब से ऐसा लगे पूरी प्लानिंग हथियारों ने पूरी साजिश रच रखी थी, कमरा लगा रखे, कमरे में देखा है। अच्छा, मैं कल्ला बैठे उसी टाइम बगे आए, पूरी रेकी करी गई, नजदीक है थोड़ा मकान। अच्छा, हम बगे आए थोड़ा, और भाई गोली भी काफी करीब तक मारी गई है, दो गोली सिर में बैठ के मारी जी, बैठे कुर्सी बैठा। अच्छा, जमा जमा जड़ में जमा जमा लो लग के दन करना, फिर पड़ गया, फिर उड़ा मारी जी। अच्छा, पड़े पाछे भी मारी? हाँ, पड़े पाछे मारी, बिल्कुल मार दो, जो जानकारी है भाई नीचे पड़े पाछे भी तीन गोली मारी है, तो ले रखे जी। अच्छा, एंटी पुलिस वाले ने पांच गोली दी। तो ये दुखद तस्वीर है भाई, फिलहाल जो है ना केवल चौकीदार बल्कि पूरा काबरछा गांव जो है वो यागवाई देने तैयार है। अगर भाई वाक्य में जो सरपंच मनीष जाखड़ था वो एक ऐसा सरपंच था जो कि पूरे गांव को एक ऐतिहासिक गांव में कन्वर्ट करना चाहता, उसके कुछ सपने थे जो इन दो दरिंदा ने, दो हत्यारा ने ना केवल मनीष जाखड़ को मारा है बल्कि पूरे काबरछा गाँव के सपनों की हत्या कर दी। न्यू बात है जी, पूरे काबरछा गांव के सपने की हत्या कर दी। पीछे मतलब कौन था जी? मतलब वैसे नाम नाम था भाई, मेरा गांव का भला करूंगा जी, मैंने पीछे भी तेरा कर। हां जी, उसके साथ जी 36 बरादरी साथ थी जी। बिल्कुल। अच्छा, आप भी सफाई वाले? हां जी, सफाई वाला, गांव में साफ सफाई के। हां, उसके साथ जी बिल्कुल 36 जात बिल्कुल उसके साथ है, अरीब भी साथ है, पूरे भी मौके पर साथ है जी। बिल्कुल जी,
बिल्कुल। तो ये दुखद तस्वीर है भाई, चाहे वो सफाई कर्मचारी की बात करा, चाहे वो चौकीदार की बात करा, या चाहे फिर गांव का कोई भी छोटा बालक तक लेकर बडेरे तक कोई भी इब तक हमने इस मनीष जाखड़ जो सरपंच है, युवा सरपंच, जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, इसकी इब तक कोई बुराई करनिया नहीं मिली हमने। तो बहुत दुखद तस्वीर है भाई, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहे हैं। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।